Hello, good morning student. Myself, Rajeshwari Bhatia. I am taking your Hindi subject. Now, हमने अभी जो है आपको आगे चाहिए जो भी lessons पढ़ा है उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लिया होगा और उसको अच्छे से देख भी लिया होगा videos में. अब हमारा जो third chapter है वो है अनमोल नियम. First और second जो chapter से आपको विद्यालय चला गया. अब एक दिन की बात है, सुबह में इसमें रवि करके एक लड़का है वो बिस्तर से या
कुछ दर्द होता है, दुख रहा होता है आंखों को, वहां भी उसे आंखों में कुछ चुभन सी। अब उसमें क्या हुआ, उसको जैसे चुभ रहा हो ऐसा लगा। वह हाथ से आंखों को मलने लगा, मलना यानी ऐसे ऐसे करने लगा क्योंकि उसको दुख रहा था इसलिए। और ऐसे ही वो स्नान यानी कि बाथ लेने चला गया। उसने तैयार होकर नाश्ता किया और उठ। अब ये हमारा डेली का जो स्कूल हम जाते हैं तब रूटीन होता है कि बाथ लेकर हम रेडी होकर ब्रेकफास्ट खाकर फिर विद्यालय जाते हैं, स्कूल चले जाते हैं। अब रवि का भी ऐसा ही हुआ। जब तक वह घर पहुंचा, सेकेंड पैराग्राफ शुरू हुआ है, जब तक वह घर पहुंचा उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। अब उसको पेन तो हो रहा था, चुभन भी हो रही थी, दुख भी रहा था, पर उसकी आंखें कैसी हो गई, रेड हो गई और उनसे पानी निकल रहा था। अब क्या हुआ, उसकी आंखों में से पानी निकल रहा था। माँ ने पूछा तो उसने बताया कि सुबह से ही उसकी आंखों में दर्द हो रहा है, कक्षा में ब्लैक बोर्ड पर लिखे अक्षर भी उसे दिखाई नहीं दे रहे थे। माँ ने पूछा कोई चोट तो नहीं लगी ना। अब सुबह जब वो गया तो थोड़ा बहुत दर्द हो रहा था, पर तब उसने माँ को बताया नहीं था। अब उसकी आंखें लाल हो गई तो माँ उसको पूछ रही है और वो बता रहा है कि सुबह से मुझे थोड़ा बहुत दर्द हो रहा था, पर स्कूल में जब वो गया तो ब्लैक बोर्ड पर मैम जो लिखा कि जब आप लिखते हो ना, तब उसे कुछ दिख रहा नहीं था, उसकी आंखों से पानी भी निकल रहा था। अब स्कूल जाते हो तो मम्मी को ऐसा लगा कि शायद किसी के साथ कुछ उसको यानी टकरा वकरा गया हो या कुछ भी, तो उसको कोई चोट तो नहीं लग गई। तो माँ उसे पूछती है कि कोई चोट तो नहीं लगी ना। वह बोला नहीं माँ, कोई चोट नहीं लगी। उन्होंने गुलाब जल से रवि की आंखें धोई और उसे आराम करने के लिए कहा। शाम को माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई। अब गुलाब जल यानी कि रोज वाटर, वो आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो पानी में डालकर उसकी आंखें धुलवाई और वो सो गया थोड़ी देर के लिए। और शाम को जब डॉक्टर से मिलने, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और डॉक्टर से पता नहीं क्योंकि उसको ज़्यादा हो रहा था, इसीलिए उसे माँ जो है वो डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर ने आंखों की जांच की। अब आईस के जो डॉक्टर होते हैं उनके पास उनको ले गया, जांच किया नहीं कि उनको उन्होंने चेक किया। जांच करते हुए उन्होंने पूछा बेटा तुम कहाँ बैठ कर पढ़ते हो। अब यह पूछना बहुत जरूरी है कि किस तरह से पढ़ते हो। आईस के डॉक्टर से उनको सब पता चल जाता है क्योंकि छोटे बच्चे हो, आपको कुछ पता नहीं होती कि किस तरह से करते हैं, तो इसीलिए पहला क्वेश्चन क्या था कि आप किस तरह से पढ़ते हो। रवि चुप रहा। माँ ने बताया डॉक्टर साहब यह बिस्तर पर लेट कर पढ़ता है और पुस्तक को आंखों के बहुत नज़दीक रखता है। अब समझ में आया कि क्या हो रहा था, नज़दीक यानी एकदम निकट। उसने क्या बताया, वो तो चुप रहा क्योंकि पता है कि उसने कुछ गलती की है। तो माँ ने बताया कि ये बिस्तर पर अपने बेड पर सोते सोते पढ़ता है और बुक जो है वो उनके एकदम नज़दीक रखता है। अब कितना बताते हैं और फिर डॉक्टर क्या करता है हम पार्ट टू में सीखेंगे। पार्ट वन में फिर से आपको रिकॉल करवा दूँ, फर्स्ट पैराग्राफ जिसमें रवि सुबह में उठता है और उसकी आंखों में चुभन होती है, दुख रहा होता है, फिर भी वो मलते मलते स्नान करने जाता है आंखों को और स्कूल चला जाता है। स्कूल के आते समय उसको जो है उसकी आंखें कैसी हो जाती है, रेड हो जाती है और उसकी मम्मी उसे पूछती है, तब बोलता है कि सुबह से ही मुझे दर्द हो रहा था। फिर उसकी माँ किससे उसका आंखें धुलाती है, रोज़ वाटर से, और शाम को डॉक्टर के पास ले जाती है। अब डॉक्टर के पास जाते ही डॉक्टर पूछते हैं कि आप किस तरह से पढ़ाई करते हो, तो रवि बोलता है कि बिस्तर पर लेटे लेटे इतने तक हमारा हुआ। और सेकेंड पार्ट में आपको आधा लेसन।